तो दोस्तों आज हम जावें नानक मत्ता साहिब श्री गुरुद्वारे में, क्योंकि आज है गुरु नानक जयंती। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में वहाँ पे निकाले जाने वाले झांकी दृश्य और बच्चों के द्वारा किया जाने वाले उत्कृष्ट झांकियाँ। और ब्लॉग बना है और बिना इसके परे वीडियो को कंटिन्यू देखें। हम चलते हैं जल्दी से नानक मत्ता, आपको चलता हूँ सीधा नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में निकलने वाली प्रभात नदी में। तो आज है गुरुकुल और नानक मत्ता साहिब में जो हमारा गुरुद्वारा है, आज वहाँ पर निकली है बहुत ही बड़ी प्रभात फेरी गुरुकुल के दौरान जो हरदस निकलती है। और नानक मत्ता को किस तरह से सजाया गया है और प्रभात फेरी कैसे निकलती है, आज मैं उसकी सुंदर लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अगर हम चलते हैं चले नानक मत्ता साहिब की तरफ, प्रभात फेरी की तरफ, आप देख सकते हैं कि रोड में सफाई चल रही है, झाड़ू लगा रही संगत। तो ये बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है सिख धर्म में। जो सिख धर्म में सबसे बड़े गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका आज जन्मदिन है। तो इस अवसर पर नानक मत्ता साहिब में भव्य रैली निकाली जाती है, प्रभात रैली, और जो संगत होती है वो जोर शोर से सब भाग लेती है। और पूरे नानक मत्ता साहिब को जबरदस्त तरीके से सब सजाया जाता है, श्री गुरुद्वारा साहिब को सजाया जाता है। आप देख सकते हैं संगत लगी हुई है, सेवा पानी करने में निष्पक्ष भाव से, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग उसमें निष्पक्ष रूप से सेवा करते हैं वाहेगुरु जी की। हम चलेंगे दर्शन जाएंगे वाहेगुरु जी के, बहुत देने के आप जैसे कि पता है कि आज है गुरु नानक जयंती। तो ये नानक मत्ता का इंटर कॉलेज के आगे बैनर लगा है और इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य साहब हैं उनके द्वारा और समस्त छात्रों के द्वारा भी पूरे क्षेत्रवासियों को गुरु नानक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दिया गई है, जो प्रेषित की गई है। और मैं भी जा रहा हूँ दोस्तों गुरुद्वारे की तरफ, देखते हैं कि गुरुद्वारे को गुरु पर्व जयंती के अवसर पर किस तरह सजाया गया है। तो मैं अभी जा रहा हूँ गुरुद्वारे और जल्दी पहुँचते हैं गुरुद्वारे और फिर मिलते हैं हम गुरुद्वारे जा करके। मैं दिखाता हूँ आपको कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे को किस तरीके से सजाया गया है। और ये जो गुरु पर्व की त्यौहार है आज के दिन, जैसे कि आपको सब पता है कि आज के दिन जो सिख धर्म में जो गुरुदेव थे सबसे बड़े गुरु नानक देव जी थे, तो आज है गुरु नानक जयंती। और गुरु नानक जयंती के अवसर पर नानक मत्ता को भव्य तरीके से सजाया गया है और प्रभात रैली भी आ रही है। तो मैं अभी आपको प्रभात रैली भी दिखाऊंगा और फिलहाल तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाने के लिए सामने से। मैं और हम जा रहे हैं, मैं हूँ और मेरी वाइफ है, आप देख सकते हैं। तो हम जो हैं हम तो जा रहे हैं वाहेगुरु जी के दरबार में मत्था टेकने के लिए। तो हम जल्दी से पहुँचते हैं और जल्दी पहुँच के आपको ले चलते हैं सीधा हमारे पहुँचे। देख सकते हैं गुरु पर्व के अवसर पे जय नानक मत्ता का गुरुद्वारा साहिब है हमारा नानक मत्ता साहिब का जो गुरुद्वारा है, और वहाँ पे कितना क्राउड है आप देख सकते हैं। दुकानें भी लगी हुई हैं, इस अवसर सजाया गया है और दुकानें भी लगी हैं छोटी मोटी वहाँ अगल बगल में थोड़ी साइड को। और हम पहुँचने वाले हैं ऐसे गुरुद्वारा साहिब में, तो आपको ले चलता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना क्राउड है, कितनी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो आप आनंद लें इसका। और मेरी तरफ से भी और मेरे चैनल की तरफ से भी जो मेरे चैनल को देख रहे हैं सभी को गुरु पर्व और गंगा स्नान दोनों पर्व आज ही हैं, तो दोनों पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे के मेन एंट्रेंस गेट पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ लगी हुई है और यहाँ का आप क्राउड देख सकते हैं। तो यह है नानक मत्ता का गुरुद्वारा जो हमारे नानक मत्ता साहिब में है, और आप देख सकते हैं कि कितना मतलब भव्य तरीके से गुरुद्वारे को सजाया गया है। और आज के जो ये दिन है, आज का जो पर्व है गुरु नानक जयंती, जो सिख धर्म के लोग हैं इसको मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह यहाँ का मेन एंट्रेंस, और यहाँ से सीधा अंदर जाते हैं वाहेगुरु जी के दरबार में मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ से सही तरीके से दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं गुरुद्वारा। और अभी तो ये दिन है, अभी रात के टाइम में इसका जो नज़ारा है और बेहद ही खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें लाइटें लगाई गई हैं वो रात के टाइम क्या है जलती हैं, तो उसका पूरे मतलब इस प्रांगण को बिल्कुल लाइटों से रोशनी से जगमगा देती हैं। तो रात के समय इसका व्यू और भी प्यारा लगता है देखने में। तो अभी आए थे हम प्रांगण में, मैं अभी बाहर से दर्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रभात रैली आने वाली है। तो अभी हम जाएंगे प्रभात रैली में, मैं आपको प्रभात रैली भी दिखाऊँगा कि वाहेगुरु जी की जो प्रभात रैली निकलती है पूरे दरबार में, पूरे नानक मत्ता एरिया में, वो किस तरीके से वहाँ जाते हैं। तो यह है आपका देख सकते हैं प्रांगण वाहेगुरु जी का,
और ये जो भक्तजन है आते हुए, ये चारों तरफ का दृश्य है। अब देख सकते हैं आज पार्किंग भी भरी फुल है पार्किंग, और जो हमारा मेन गेट है गुरुद्वारे का वहीं पे पार्किंग कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ का था तो कुछ जगह की कमी होने के कारण गाड़ियों को मैदान में खड़ा कर दिया गया। तो आप लोग ब्लॉग में बने हुए, हम मिलते हैं, अभी हम जाएंगे से प्रभात रैली में और फिर वहीं हम आपको वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रभात रैली जो ये गाड़ी है, इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया है और प्रभात रैली बिल्कुल तैयार है यहाँ से चलने के लिए, और यहाँ से सीधा पूरे नानक माता में निकलेगी, पूरे नानक माता में चलते हुए पूरे नानक माता शहर को कवर करेगी और फिर लास्ट में आकर के यहीं पर आएगी गुरुद्वारे में। उसका फिर होगा यहाँ पर भंडारा, मतलब वाहेगुरु जी का लोग प्रसाद छकेंगे और मत्था टेक के अपने घर को जाएंगे। तो हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं, देख सकते हैं आप थोड़ी कुछ ही देर है और हम यहाँ से प्रभात रैली लेके निकलने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करें देखते रहें। सभी लोग यहाँ सेलिब्रेशन करते हुए हमारे वाहेगुरु जी प्रभात रैली के आगे आगे चलते होंगे। देख सकते हैं कितनी भव्य यात्रा है गुरु नानक जयंती की, पूरी नानक माता निकाली गई है। नानक माता से वाहेगुरु जी के दरबार गुरुद्वारा साहब से होते हुए सीधा सीधी हमारे बिजली कलोनी और बिजली कलोनी से वापस आ रही है। आप देख सकते हैं आपको, और आगे ले चलता हूँ, बिल्कुल दूसरे के बिल्कुल पास में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो पंच प्यारे हैं वो भी आएंगे, आप देख सकते हैं करतब छोटे बच्चों के इतने प्यार करतब दिखाते हुए। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, पीछे से जो गुरु नानक देव जी की संगत है वो झाड़ू मारती हुई आ रही है। इसके पीछे फूल बिछाते हुए आएंगे और उसको पीछे से आएगी वाहेगुरु जी की रैली, गुरु नानक देव जी की जो स्मोक की वो आती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ग्रुप है घूमें आज सब लोग कितने प्यार निष्पक्ष भाव भाव करते हैं, अपने रोड को बैठ साफ किया जाता है, पानी ठंडा होता है, देख सकते हैं पानी का ठंडा होता है। देख सकते हैं नाम का
देख सकते हैं गाइस कितने प्यारे प्रभात रैली निकलते हुए नानी मंदिर गुरुद्वारा साहिब में, नानकपुर साहिब में। और उसके बाद इस साल यहाँ पे तरफ केंद्र रहती है झांकी गुरु नानक देव जी की। यह है गुरु नानक गर्ल्स सेंटर कॉलेज नाना माता की छात्र हैं। तो जो गर्ल्स सेंटर कॉलेज है यहाँ के बच्चे भी अभी झांकी लाते हुए और बाकी होंगे आपका धन्यवाद अजीत सिंह। जो नाना माता इंटर कॉलेज है गर्ल्स सेंटर कॉलेज है ये गर्ल्स सेंटर कॉलेज छात्र हैं ये उनकी अपनी डेली है और ये अपनी डेली में आ सकते हैं और देख सकते हैं तो ये भाई साहब देख सकते हैं नानू बता कॉलेज छात्र हैं ये और ये भी आते हैं कॉलेज में और अच्छा रैली निकाली है और चलते हुए ये गाड़ी वैसे फंस गया बहुत दूर से यहाँ चलिए गाइस ये आ रहा है गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज नानी माता साहिब का बैंड और देख सकते हैं छात्र आए भी किसी भी क्षेत्र में आज तक खेली जा रही है कितना अच्छा बैंड ये देख सकते हैं एक और रैली आते हुए गर्ल्स सेंटर कॉलेज की और ये सारे भी लगाते हुए वाहेगुरु जी का और पंजाबी की लड़कियाँ भी कई क्षेत्र कम नहीं कम नहीं आजकल हर क्षेत्र में आ गया है और बच्चा के हिस्सा लेते हैं देख सकते हैं दूर दूर तक डाल सकती है गुरु भाई और सकते हुए भाई गुजरी कराते हुए गुरु पर रैली जो चीज़ें नाम का साहित है आप आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं और कितनी प्यारा बैंड बजाते हुए जो हाथ की झाल है उसको बजाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों का कितना प्यारा लग रहा है ब्लैक कमांडो जो आप स्वागत करते हुए हमारी बहू रानी आते हुए ले लिया ब्लॉग में बहुत देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये जितने बच्चों का रैली आते हुए कितना प्यारा लग रहा है छोटे बच्चों का रैली तो
आप देख सकते हैं छोटे बच्चों का कट्टम और छोटे बच्चों का जो बैंड जो का क्या डांस है, इसका क्या डांस है, इसका क्या डांस है बच्चे। देख सकते हैं आप एनसीसी के बच्चे कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए, जो हमारी नारी शक्ति है और ये जेंट्स बच्चे, ये हमारे बच्चे एनसीसी के कैडेट आगे जाते हुए आप देख सकते हैं। आगे है लेडीज एनसीसी कैडेट और इसके पीछे है जेंट्स एनसीसी कैडेट। पुलिस पकड़ हमारा है, ये आगे हमारे छोटे बच्चों की शादी बहुत ही खूबसूरत शादी
है सुबह की प्रभात रैली जो कितने निकलती है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब अपने घर को वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और प्रभात रैली ख़त्म हो चुकी है, प्रसाद हमें छक लिया है। तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जरूर चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं अपने इसी इन्हीं जगह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।